सतबीर साहब को सुनना चाहेंगे प्लीज। जल प्रवीण साहब प्लीज। 1973 में थर्ड पे कमीशन था। थर्ड पे कमीशन से पहले हम लोगों की सैलरी या पेंशन, जिसके बारे में हम लोग सब इकट्ठे हो रखे, के बाद थर्ड पे कमीशन में एक डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने। एक्स पार्टी, एक्स पार्टी मतलब एक दिन, क्योंकि मैं कल परसों टीवी देख रहा था, वो सवाल पूछा गया कि रीजन क्या था इसके लिए। रीजन ये था कि एक्स पार्टी डिसीजन लिया गया था, मतलब दूसरी साइड का सवाल पूछा ही नहीं और एक यूनिलैटरल डिसीजन घोषित कर दिया कि आपकी पेंशन 70% से 50% कर देगी। तो और उसके बाद लगातार ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के दा आया। और आप लोगों को मालूम होगा, फेमस केसेस हैं। फोर्थ पे कमीशन में रैंक पे का कब्जा किया था। क्या किया था? मान लीजिए मेरी तनख्वाह उस टाइम 400 रुपए थी और मेरे को कैप्टन होने के नाते मान लीजिए 50 रुपए कैप्टन का अलाउंस मिलना था, तो 450 करने के बजाय गवर्नमेंट ने 350 मेरी सैलरी फिक्स की और 50 में रैंक पे लगा के 400 दे दिए। बाकी लालची नहीं है, अपना हक मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, पेंशन इज अ राइट, पेंशन कोई खैरात नहीं है, कोई बाउंटी नहीं है, और पेंशन हमें दी गई है जो के फॉर द सर्विसेज ऑलरेडी रेंडर्ड। ये जो डेफर्ड वेजेस है हमारे, फॉर द सर्विसेज ऑलरेडी रेंडर्ड, तो हमें कोई खैरात नहीं बांट रहा, हम अपना हक ले रहे हैं और अपना जो एंटाइटलमेंट है वो ले रहे हैं।